everyone, welcome to Envelope Study, Root of Success, the online career and education classes. After watching this video, guys, if you like it, then like, share and subscribe Envelope Study. Thank you so much. Friend, welcome to Envelope Study, Root of Success. Dosto, aaj hum ENDS exam ki part second, jo maths ki important series hamari jo chal rahi thi, uska part second leke hain. Dosto, aaj हम वो पार्ट सेकंड के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन जो जो हमने फर्स्ट में बताए थे उसके अलावा हम सेकंड में कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले वो देखते हैं। सबसे पहले हम परसेंटेज के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कौन से क्वेश्चन देखेंगे? परसेंटेज का, प्रतिशत का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। परसेंटेज मैंने पिछली बार भी फर्स्ट सीरीज में भी पढ़ाया था आपको किस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन है दोस्तों, इफ एज इनकम इज 10% मोर देन बीज, देन व्हाट परसेंटेज विल बी लेस देन बीज इनकम। तो दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से है कि ए की आय बी से 10% अधिक है। ये मान लिया हमने ए है और ये हमारे बी भाई साहब। ए की आय बी से 10% अधिक है, तो बी की आय हमने मान ली कि इसकी आय कितनी है, 100 है, ठीक है। और इससे 10% अधिक है, इससे 10% अधिक का मतलब कितनी होगी, इसकी होगी 110, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है हमसे कि जो ए है, जो ए है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बी है उसकी आय ए से कितनी परसेंट कम है, मतलब जो ये बी जो है इसकी आय ए से कितना परसेंट कम है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। तो हमने पहले ये लिख लिया। अब हम इनका दोनों का अंतर देखें तो अंतर कितना आ रहा है, 10 का। अंतर कितना आ रहा है, 10 का, ठीक है। और हमसे हमने ये क्वेश्चन ये पूछा है कि बी की आय ए से कितना कम है, तो कितना कम है, सिर्फ 10 कम है। और किससे कम है, ए से कम है, तो 10/100, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा 9/1/5%। ये आया इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। दोस्तों हमने पिछले जो वीडियो था, जो पिछली क्लास थी, उसके अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पढ़े थे। देखिए आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है जो डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ डिस्काउंट होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए एक मार्कर है, ठीक है, इसकी मार्क प्राइस, इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट डिस्काउंट की चीज आती है मार्क प्राइस, मतलब इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है, ठीक है, इसके ऊपर प्रिंट रेट क्या है, ठीक है। मार्क प्राइस की कितनी है, 10 रुपए, ठीक है। और उस दुकानदार ने बोला कि भाई इसकी मार्क प्राइस तो 10 रुपए है और मैं तुझे 1 रुपए का इस पर डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज जो है, ये जो अपने पास मार्कर है, ये मुझे कितने का पड़ा, 9 रुपए का पड़ा, ठीक है। तो इसके जो डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट का मतलब यही होता है कि उसकी मार्क प्राइस कितनी है, इसके ऊपर लिखा हुआ कितना है, ठीक है, और इसपे मैं छूट कितनी दे रहा हूँ, डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ, ठीक है। जो ये जो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये होता है अपने किसके बराबर, सेलिंग प्राइस, मतलब जो हमने जो इस उस दुकानदार ने वस्तु को बेचा उसके बराबर होता है, ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर डिस्काउंट प्रॉफिट की बात की जाए, सॉरी डिस्काउंट परसेंटेज की बात की जाए, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, तो डिस्काउंट परसेंटेज सबसे पहले तो मार्क प्राइस पे निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है, मार्क प्राइस पे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डिस्काउंट के लिए, एमपी मतलब मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100, इस तरीके से निकलता है डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले डिस्काउंट समझ में आया, डिस्काउंट क्या होता है कि भाई जो हमारी मार्क प्राइस है, ठीक है, मार्क प्राइस कितनी है, ठीक है, और डिस्काउंट निकालना है। तो मार्क प्राइस तो ये है और सेलिंग प्राइस ये है, तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट, ये आ गया अपना डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकाल, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो ये बेस किस पे होता है, एमपी पे, मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस पे बेस होता है। और परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फॉर्मूला इसका डायरेक्ट बन जाता है। दोस्तों हम क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन बनता है इस तरीके से, द वैल्यू ऑफ एन आइटम इज मार्क 1500 रुपीज, इफ ए 10% डिस्काउंट इज गिवन ऑन दैट आइटम, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आइटम। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु का मूल्य 1500 रुपए है, कितना है 1500 रुपए, जो कि अंकित किया हुआ है, मतलब मार्क प्राइस दी हुई है हमारी 1500 रुपए, ठीक है। अगर उस वस्तु पर, मतलब मार्क प्राइस कितनी दी हुई है, 1500, ठीक है, और उस वस्तु पर हमें 10% का डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट कितना मिलता है हमें, 10%, ठीक है।
तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य है, हमें क्या निकालना है उस वस्तु की सेलिंग प्राइस निकालनी। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे सेलिंग प्राइस ये देखते हैं हम। तो हमें सबसे पहले तो ट्रेडिशनल मेथड जो हमारा फॉर्मूला से निकालते हैं वो निकाल के देखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, डिस्काउंट कितना है 10, ठीक है, मार्क प्राइस कितनी है 1500 माइनस सेलिंग प्राइस हमें क्या करना है निकालना है अपॉन मार्क प्राइस फिर से 1500 × 100, ठीक है। तो दोस्तों यहां से देखो इस 100 को हम इधर लेके आएंगे इसके नीचे, तो क्या आएगा 10 upon 100 = 1500। पहले तो इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी, दोनों के नीचे, तो 1500 से 1500 तो कट ही जाएगा, तो यहां तो 1 आ जाएगा माइनस SP upon 1500, ये हमारे पास यहां से आ गया, ठीक है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको ताकि जो ये 1 है इसको हम क्या करेंगे इधर भेजेंगे, तो 1 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का अपॉन, ठीक है दोस्तों। तो अब यहां से क्या होगा, इसमें से ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा ये 0 से 0 कटेगी, ठीक, और यहां से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसके अगर एलसीएम लेके अगर हम घटाना चाहें तो यहाँ पे 10 आता है, 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे 10 आएगा, दिया जाएगा 9/10, ठीक है। तो दोस्तों ये आ गया 9/10, तो 9/10 = SP बराबर हमें यहाँ 1500 निकालना है, ये SP निकाला, हम 1500 को इधर भेज देंगे, 1500 जब इधर भेजा तो क्या आ जाएगा 9 × 1500 upon 100 बराबर SP, यहां से हमारा SP निकल गया, इस 0 से 0 काट देंगे और 15 में भी कितना होता है 135, तो ये आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। दोस्तों ये तो है ट्रेडिशनल मेथड जो अपन फॉर्मूले से यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड बहुत लंबा है, ठीक है। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि हम डायरेक्टली जब भी कोई परसेंटेज दे रखा हो इसको फ्रैक्शन में चेंज करके कैसे निकालते हैं, दोस्तों वो भी मैं आपको हैंड टू हैंड निकालना बता देता हूँ, वो भी बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप उससे निकाल सको तो बहुत अच्छी बात है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इससे, ताकि जैसे कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है डिस्काउंट 10% दिया हुआ है, डिस्काउंट कितना दिया है 10%, इसको सबसे पहले तो हम किसमें चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कैसे, 10 upon 100, तो फ्रैक्शन क्या आ गया 1 upon 10। तो दोस्तों देखना डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मैंने आपको आपको बताया डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है मार्क प्राइस पे, तो ये तो क्या हो गया मार्क प्राइस हो गया 10 को, और ये क्या हो गया, हम बात किसकी कर रहे हैं डिस्काउंट की, तो ये क्या हो गया डिस्काउंट, ठीक है। अब हमें मार्क प्राइस दी हुई है, मार्क प्राइस कितनी दी हुई है 1500, तो 10 = 1500, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। और हमने निकाले क्या है सेलिंग प्राइस, अब हमें पता है, तो हमें पता है कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है सेलिंग प्राइस, ये तो होता है। तो मार्क प्राइस कितना 10 और डिस्काउंट कितना 1, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गई 9, तो यहां से सीधा मल्टीप्लाई करो 150 = 9, तो कितना आ जाएगा 1300। तो ये मेथड शॉर्ट है, अच्छा है, इस मेथड को आप। तो दोस्तों हमने पिछली जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था ऐसा ही, जिसके अंदर हमने देखा था सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अब हम देख रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% एनुअल रेट ऑफ 6400, 6400 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ 6400 जो है यहाँ पे ये क्या है प्रिंसिपल है, ठीक है, और रेट जो दे रखी है हमें कितनी दे रखी है 10% और टाइम दे रखा है 2 साल। तो हम दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे तो देखना, सबसे पहले तो मैं इसका 2 मेथड बताऊंगा आपको, दोनों मेथड बहुत अच्छे और इजी है। सबसे पहले तो जो फॉर्मूला बेसिस मेथड है वो, और दूसरा इसका जो शॉर्ट तरीका है वो बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं इसका क्या बनता है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की या फिर CI की या फिर चक्रवर्ती ब्याज की, तो उसका फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो फॉर्मूला होता है A = P(1+R/100)T। यहाँ पे दोस्तों क्या है देखना, A है अमाउंट, A क्या है यहाँ पे अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं मिश्र दर, ठीक है, और P जो है यहाँ पे प्रिंसिपल है, ठीक है, और R यहाँ पे रेट है और P यहाँ पे टाइम है। सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ
जो ब्याज जो होता है, जो इंटरेस्ट जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा, हमेशा अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को घटा देते हैं, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, वो इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखना, हमें दे रखा है 6400, क्या दे रखा है यहाँ पे प्रिंसिपल, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 6400 वन प्लस एन की पावर, ये आपने को क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, 6400 एन टू, इसका हम एलसीएम लेंगे, इसका क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे, तो क्या आ जाएगा ये 110 इंटू 100 और इसकी पावर 2 है तो हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 से ये और 1 से ये कट गया। ठीक है, तो अब यहां से हम मल्टीप्लाई करें इसको 64 इंटू, ये 11 इंटू 11 121 होता है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7744। ये हमारे पास क्या है अमाउंट, ये क्या निकल का है अमाउंट, और मैंने आपको बताया था कि ब्याज जो होता है वो क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट क्या है हमारे पास 7744 और प्रिंसिपल क्या है 640, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1344, ये आ जाएगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों ये तो है इसका एक ट्रेडिशनल मेथड जिस मेथड से हम सोल्व कर रहे हैं, एक इसका ट्री मेथड और होता है जो बहुत अच्छा मेथड होता है ट्री मेथड, उससे मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, अगर उससे आप समझ सको तो आराम से समझ सकते हो। जैसे मैंने आपको तरीका बताया था कि आपने को सिर्फ बात करनी है जो परसेंटेज में चीज है, तो परसेंटेज में यहाँ पे क्या है सिर्फ रेट, तो इस रेट को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बताया था मैंने। ठीक है, और 6400 यहाँ पे क्या है प्रिंसिपल, 6400 क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए 6400 इंटू आ जाएगा 640, सेकेंड ईयर के लिए जब निकालेंगे तो पहले तो हम 6400 पे निकालेंगे मूलधन पे प्रिंसिपल पे निकालेंगे, उसके बाद जो ये इसका जो ब्याज जो आया इसका भी ब्याज निकालेंगे, चक्रवर्ती ब्याज का मतलब यही होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, तो ये तो क्या हो जाएगा 640 तो हो ही जाएगा इसका, और इस 640 का भी कुछ होगा तो ये आ जाएगा 64, तो इन तीनों को जोड़ेंगे 640 640 और 64, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1344, ये राइट आंसर। आप इस मेथड से भी इसको कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन देखते हैं एवरेज का, हमने पिछले क्लास में भी एवरेज क्वेश्चन देखा था, अब एक नेक्स्ट एवरेज क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ टू नंबर इज एन, वन ऑफ दीज नंबर इज एन देन द अदर नंबर इज, तो क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का औसत, दो संख्या है कोई भी उनका औसत एन है, इनमें से एक संख्या एन है, एक संख्या क्या है एन है, तो क्या निकालना है दूसरी संख्या बताइए। तो दोस्तों इसको कैसे सोल्व करेंगे मैं बताता हूँ आपको, माना कि हमने दो संख्या कोई मानी, कोई संख्या एक्स है और कोई संख्या वाई है, इन दोनों का औसत जो है वो क्या है एन, ये तो बोला कि दो संख्या है, मैंने दो संख्या माना एक्स और वाई है, ठीक है, इन दो उन संख्याओं का औसत क्या है एन है। ठीक है, तो और एक संख्या इनमें क्या है एन है, कोई एक संख्या है जो क्या है एन है, तो हमें क्या दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको सोल्व, कि हमने माना कि x जो संख्या है वो क्या है n है। ठीक है, तो हमने x की जगह क्या लिख लिया n plus y upon 2 बराबर n। ठीक है, तो n plus y is equal to 2n, तो यहाँ पे y निकालेंगे तो y कैसे आ जाएगा 2n minus n, तो ये आ गया y की। दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का करते हैं, तो वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन मैंने पिछली सीरीज में भी कराया था, अब नेक्स्ट करा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन जो है ये एक फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है और इस पे एक फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला बनता है एम डी एच अपॉन डब्ल्यू, मतलब एम का मतलब होता है यहाँ पे मेंस, डी का मतलब होता है डेज और एच का मतलब होता है आर्स और डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क, इज इक्वल टू सेम चीज यही है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से है, इफ 5 मैन वर्क फॉर 8 आवर एंड 20 डेज एवरी डे देन इन हाउ मेनी डेज 8 मैन विल वर्क फॉर 10 आवर्स, तो क्वेश्चन क्या है 5 आदमी किसी काम को प्रतिदिन, 5 आदमी हमारे पास 5 मैन है। ठीक है,
किसी काम को प्रतिदिन 8 आवर्स करते हैं, कितने आवर्स करते हैं 8 आवर्स और 20 दिन 20 डेज, ठीक है, ये करते हैं तो 8 आदमी 8 मैन, ठीक है, 8 आदमी 10 आवर्स और कितने डेज के अंदर ये वर्क करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कर सकते हैं कैसे, उस फॉर्मूला से। यहाँ पे वर्क तो क्या है, हमारा वर्क जो है एम बी एच बराबर एम टू वी टू वी टू एच टू, ठीक है, अपॉन वर्क डब्ल्यू वन और डब्ल्यू। वर्क तो हमारा एक एक है, दोनों एक एक वर्क कर रहे हैं, तो वर्क का यहाँ पे कोई कंसेप्ट निकलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एम की देखे तो 5 इंटू बी वन कितना है हमारा 20 और आवर्स कितने 8 इज इक्वल टू एम टू कितना है 8, बी टू कितना है, बी टू तो हमें निकालना ही है, ठीक है, और आवर्स कितना है 10, ठीक है। तो यहाँ से बी टू निकल जाएगा, इन संख्याओं के इसके नीचे ले आते हैं तो इस संख्याओं के नीचे ले आते हैं तो क्या आ जाएगा 8 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 10 डेज, तो अपने पास यहाँ पे 10 डेज आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये सीरीज भी अगर पसंद आई हो तो नेक्स्ट सीरीज हम लेके आएंगे, तो उसके लिए आप इस सीरीज पहले कमेंट कीजिए, हमें बताइए कैसे लगी ये सीरीज और हम किस तरीके के और क्वेश्चन को आपकी रिक्वायरमेंट है तो हमें बताइएगा, और इस जो आपकी ये जो सीरीज है इसको जरूर लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।